हेलो एवरीवन, आप सभी को रामो का नमस्कार। ये एक स्पेशल आरडब्ल्यूटी एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे मेंस एग्जाम की जो अभी होने जा रहा है। सो एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के जो बच्चे हैं उनको इस समय एक बहुत ही सटीक गाइडेंस की जरूरत है कि वो आखिरी 10 दिनों को कैसे मैनेज करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें और किस तरह से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। सो मेरे साथ आज एसएससी सीजीएल 2019 के टॉपर जिनकी टेंटेटिव ऑल इंडिया रैंक 12 है, जो अभी तक लोगों ने मार्क्स कलेक्ट किए उसके हिसाब से इनकी ऑल इंडिया रैंक 12 है, वो मेरे साथ हैं। इनका नाम है दिग्विजय सिंह और इन्होंने इतनी अच्छी सफलता हासिल करी है एसएससी में। तो हम दिग्विजय से ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे करी इन्होंने और साथ ही साथ ये आपको मेन्स के लिए पूरा गाइड करेंगे। इसलिए इस एपिसोड का नाम हमने दिया है आरडब्ल्यूटी स्पेशल और वो भी डेडिकेटेड टू एसएससी सीजीएल 2019 मेंस स्टूडेंट। दिव्य सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। दिव्य, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जो मार्क्स थे वो कितने थे? टीयर वन में रॉ नॉर्मलाइज, टीयर टू में अलग अलग सब्जेक्ट में रॉ नॉर्मलाइज कितने थे और टीयर थ्री में आपके कितने मार्क्स आए? टोटल कितने मार्क्स हैं आपके? सर, प्रीलिम्स में मेरा रॉ स्कोर था 164, नॉर्मलाइज स्कोर बना 192.5। मेंस में क्वांट में मेरा रॉ स्कोर है 198 और नॉर्मलाइज स्कोर है 202.8 और इंग्लिश में मेरा स्कोर है 196.25 और जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर बना है 204.9 और डिस्क्रिप्टिव में मेरे मार्क्स आए 59, तो टोटल मेरा बन गया 659.2 और रैंक मेरी 12th चली रही है अभी। ओके, सो दिव्येश, मेरा पहला सवाल ये है कि ये सेशन को हम मेनली मेंस फोकस रखेंगे। यस सर। सो क्वांट में 198 रॉ स्कोर का मतलब होता है 99 सवाल सही करना, ठीक है? 99 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, तो क्या आपके मन में ये नहीं है कि एक सवाल क्यों छोड़ रहा हूँ, वो भी करता हूँ? क्यों छोड़ा आपने एक सवाल? सर, मुझे पता नहीं था कि जो मैंने 99 क्वेश्चन किए वो सारे सही हैं। मुझे लग रहा था कि इसमें क्वेश्चन मैंने कम से कम गलत किए होंगे, मेरा स्कोर 160 से 170 के बीच में बैठेगा। अब अगर मुझे सिलेक्शन लेना होगा तो ये 99 मुझे सिलेक्ट करवा देंगे और अगर सिलेक्ट नहीं होना होगा तो वो एक भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से मैंने उस लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे मार्क्स 198 आने वाले हैं। राइट, सो दिव्येश, जो आपने मॉक टेस्ट मैथ के दिए होंगे, क्या कभी उसमें 198 रॉ मार्क्स आपके आए थे? नहीं सर, मेरे मार्क्स मैक्सिमम जो टीयर टू मॉक में रहे हैं वो 171 रहे हैं क्वांट में और 185 रहे हैं इंग्लिश में। जो मेरा मेंस का स्कोर है, ऐसा स्कोर ना मेरा मॉक में कभी आया था और ना मैं कभी इमेजिन करता था। राइट, सो दिव्येश, देखिए बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो बच्चों के लिए कि लोग मॉक स्कोर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा यहाँ बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। एक्चुअल एग्जाम में आप काफी कुछ कर सकते हो, 100% एक्यूरेसी एग्जाम प्रेशर में, वो भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, ये बहुत ही कमेंडेबल है, वो भी 99 क्वेश्चंस। दिव्येश, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मेंस, चूंकि एग्जाम अभी 10 दिनों में है बच्चों का, आप 10 दिन पहले आपका जो थॉट प्रोसेस था वो क्या था? आप क्या सोच रहे थे 10 दिन पहले एग्जाम के? क्या दिमाग में चल रहा था कि मेरा मेंस है, कैसे मैं इन 10 दिनों को मैनेज करूं? क्या किया था आपने, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं प्लीज। सर, 10 दिन की खास बात ये होती है कि 10 दिन में 10 मॉक देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक काम है जो हम कर सकते हैं। जैसे आपने सुपर 300 स्टार्ट की सीरीज, मेरे पास अपने 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन था और लास्ट मंथ में मैं हर रोज 100 क्वेश्चन एक सिटिंग में, 100 क्वेश्चन नहीं होगा तब तक उठना ही नहीं है। ये काम मैंने लास्ट के 10 दिन में भी किया है, 1000 क्वेश्चन मेरे वहां भी हो गए। तो इससे क्या होता है कि बिना मॉक दिए कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है एक सिटिंग में 100 क्वेश्चन करने की, और वही मुझे मेंस में भी करना था जाके। तो 10 दिन में कोई एस्पिरेंट बेशक 10 मॉक नहीं दे सकता, लेकिन 1000 क्वेश्चन 100 की शिफ्ट में 10 बार तो कर ही सकता है। चीज तो पॉसिबल है क्योंकि ये चीज मैं एक महीने करके गया हूँ। तो एक तो सर मेरे माइंड में ये चीज क्लियर थी कि मुझे 10 दिन में 1000 क्वेश्चन करने हैं। दूसरी जो चीज क्लियर थी वो ये कि क्वांट की सारी थ्योरी पढ़ के जानी है। क्वांट के मेंस में क्या होता है कि इजी क्वेश्चन खत्म होने के बाद टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, 30 मिनट 40 मिनट इतना टाइम बचा हुआ है, इजी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट की जरूरत तो पड़ेगी, उसके बिना डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। तो उसके लिए थ्योरी की जरूरत पड़ती है, सारे फॉर्मूले थ्योरम प्रॉपर्टीज जो भी पॉसिबल है हमारी बुक्स में नोट्स में जो जो मैंने सीखा है वो सब मेरे माइंड में मेरे साथ एग्जाम तक जाना चाहिए, ये मुझे इस 10 दिन में इंश्योर करना था। तो क्या रिवीजन के लिए आपने नोट्स बना रखे थे? आप कैसे रिवाइज कर रहे थे आप? सर, वो 3000 क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखे थे, बाकी जो थ्योरी है मैं बुक में से एक एक वर्ड पढ़ता हूँ थ्योरी का, मैं कभी भी बुक में से थ्योरी नहीं काटता। अगर कोई फॉर्मूला इरेलीवेंट है तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, वो एक अलग बात है। अगर रेलिवेंट है तो मैं उसको जरूर पढ़ के जाऊंगा, चाहे वो कितना ही सिंपल फॉर्मूला क्यों ना हो। मैं तो कहता हूँ कि एस्पिरेंट्स को नंबर ऑफ डायग्राम्स का फॉर्मूला भी पढ़ना चाहिए, हो सकता है 2 मार्क्स में वही दिलवा दे।
तो इस चीज में तुम्हें कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए, तुम प्रैक्टिस करके जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी में से कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये 10 दिन में तुम्हें इंश्योर करना मतलब रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन करना है। है। यस सर, रिवीजन अगर सो मॉक ये जो देना चाहो तीन तो 10 दिन में 2 मॉक दे सकते हो, कोई भी डील नहीं है, लेकिन रिवीजन भी सेम है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन। जो जो कंसेप्ट मैं माइंड में एग्जाम में लेके जाना चाहता हूँ, ये मुझे 10 दिन में अपनी जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, 3 बुक हैं, 2 तरह के नोट्स और बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको कंसोलिडेट करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। राइट दुजेश, और एक चीज होती है, कई लोगों को लगता है कि यार मेरा अभी सिलेबस में ये पढ़ लें वो पढ़ लें, क्या ये समय नई चीज पढ़ने का है? नहीं सर, इस टाइम पे तो ये गलती किसी भी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि एक इस तरह का इंसिडेंट कि किसी दोस्त ने एक शीट भेज दी 100 क्वेश्चन की, मैंने उसे अटेम्प्ट करने की गलती कर दी, 100 में से 50 क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं, तो एक महीने में मैंने जितना एंथुसियाज्म बिल्ड किया है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम एक्सपेरिमेंटेशन का नहीं है, ये टाइम कंसोलिडेशन का है, और ये एस्पिरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखे जो नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये टाइम नए चैप्टर स्टार्ट करने का नहीं है जो तुमने अभी तक कर लिया, क्योंकि प्रीलिम्स हुआ था मार्च में, तो 1 साल 2 साल से तो सबको ये पढ़ ही रहा है, तो जितना तुमने 1 साल 2 साल में पढ़ा है उसे कंसोलिडेट कर लो, एग्जाम निकालने के लिए उतना काफी है। राइट दिव्यश, एक चीज और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एग्जाम के पहले मतलब 10 दिन पहले आपका रूटीन क्या था? मतलब आप किस तरह से पढ़ रहे थे, कितने घंटे कहाँ डिवोट कर रहे थे, कुछ थोड़ा सा गाइडेंस दे। मैं चाहता हूँ कि आप जो डी डे है एग्जाम का -10 डे पे जाओ और मुझे रूटीन जी बताओ कि उस दिन आपने क्या किया। सर, वैसे तो मेमोरीज थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि मेरा पूरा फोकस क्वांट के ऊपर था, क्योंकि हम सब के अंदर क्वांट का डर होता है और खासतौर पे एडवांस मैथ का, तो मैंने एडवांस मैथ लास्ट मंथ में ही रिवाइज की थी, अर्थमेटिक और इंग्लिश मैं पिछले 2 महीने में निपटा चुका था, तो एक तो मुझे ये काम करना था कि मुझे मेरे सुपर 3000 क्वेश्चन है मुझे वो करने हैं, दूसरा एडवांस मैथ रिवाइज करनी है। इंग्लिश पे मैं फुल भरोसा करके चलता था, क्योंकि इंग्लिश की ऑलमोस्ट 200 से 300 शिफ्ट प्रीवियस ईयर की मैंने कर ली थी, तो एक चीज तो मुझे क्लियर थी कि इंग्लिश मुझे धोखा नहीं देगी, मुझे धोखा सिर्फ एडवांस मैथ दे सकती है। तो ये लास्ट के 10 दिन से मुझे लगता है कि 3000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांट की सारी थ्योरी और एडवांस मैथ पे बीता है मेरा। ओके ओके सो कितने घंटे आप पढ़ रहे थे इन आखिरी 10 दिनों में तेजेश? सर अराउंड 12 आवर्स। 12 घंटे। और क्या टाइम डिवीजन बराबर था मैथ और अंग्रेजी में? सर इंग्लिश तो नो डाउट, जब जून में हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसके बाद मैंने लगातार 1 महीने इंग्लिश पढ़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं क्वांट को मेन से पहले रिवाइज नहीं करना चाहता था, 2-3 महीने पहले मैं चाहता था कि क्वांट मेरी रिवाइज ही तब हो जब मेंस आने वाला हो, तो इंग्लिश मैंने कर ली थी प्रीलिम्स के बाद, बहुत अच्छे से करी थी, पूरा महीना लगाया, एक एक वर्ड को उसका मीनिंग सर्च किया, उसके सिनोनिम सर्च किए, तो एंड में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिविजन मेरा बराबर था, इंग्लिश को मैंने नो डाउट कम रखा, अगर मैं दिन में 12 घंटे पढ़ता था तो 9 घंटे मैथ और 3 घंटे इंग्लिश। ओके 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 सो दिनेश, आखिरी 10 दिनों में जो मानसिक अवस्था थी राइट, जी वो क्या थी? मतलब क्या प्रेशर बहुत ज्यादा था या आप रिलैक्स थे? प्रीलिम्स में अच्छे नंबर होने का भी एक प्रेशर होता है कि यार अब टॉप रैंक आ सकती है, तो क्या ये दबाव था आपके दिमाग में? सर, दबाव इस चीज का भी था कि प्रीलिम्स में इतना अच्छे मार्क्स हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि शायद इस बार मैं 4600 ग्रेड पे की जॉब ले लूं, और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन एक और चीज मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर थी कि SSC PGL 2017 मेंस जैसा पेपर हमारा आ सकता है, तो मुझे एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट लेके नहीं जाना, क्योंकि क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट के चक्कर में हम ऑर्डिनरी भी मिस कर देते हैं, तो मैं जब बिल्कुल अपना मेंस के पेपर में गया मेरा माइंड सेट बिल्कुल क्लियर था कि मैथ में 150 नंबर आ जाए, इंग्लिश में 170, मुझे मेरी सीट मिल जाए और मैं कुछ नहीं चाहता, इस एटीट्यूड के साथ मैं एग्जाम में गया था कि चैलेंजिंग एग्जाम आएगा, CGL 17 जैसा आएगा, उनका मेंस बहुत चैलेंजिंग था, तो मैं मान के चल रहा था कि बिल्कुल वैसा पेपर मेरे सामने होगा, 150 नंबर अगर मैं ले आया तो मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैं सक्सेसफुली इस चैलेंज को क्रॉस कर ये एक पाया। अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लग रही है कि आपने अपने ऊपर से प्रेशर हटा लिया कि भाई लोग अगर टारगेट करके जाते हैं कि मेरे को 190 नंबर लाने हैं, सो ये एक एडेड प्रेशर सर पे डालता जी सर, है सर ना? हाई एक्सपेक्टेशंस आप देखो कि अगर लाइफ में हमें दुख दे सकती है तो एग्जाम में क्यों नहीं दुख देगी। मैं बिल्कुल 150 का टारगेट लेके 198 ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 198 का टारगेट लेके चलूंगा मैं 150 भी नहीं ला पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ दिनेश, इसमें 100% मैं एग्री करता हूँ। तो जैसे एक चीज और पूछनी है मुझे कि मैं थोड़ा सा आपका अटेम्प्ट पैटर्न और इसको मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। एक तो आपने रिवीजन बताया कि आपने अपने 3000 सवाल कर रखे थे, जी सर उनको आपने खूब रिवाइज किया।
एक चीज मुझे ये पूछनी थी उजेश कि लास्ट दिनों में एग्जाम के पहले क्या आपका कोई ग्रुप था, किस तरह की कम्युनिकेशन अगर फेलो एस्पिरेंट थे तो हो रही थी? मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि एस्पिरेंट के जीवन में आखिरी 10 दिनों में क्या गुजरता है। सर वैसे तो नो डाउट मैं बिल्कुल आइसोलेशन में था, मैं चाहता ही नहीं था कि मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि नेगेटिविटी इंटरनली और एक्सटर्नली किसी भी तरह एंटर कर सकती है। मेरा मॉक खराब हो गया, 200 में से 130 नंबर आए, ये इंटरनल नेगेटिविटी है। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, उसने मुझे कुछ ऐसी बात बोल दी, इस बार तो पेपर इस बुक से आएगा, कैट की बुक नहीं करिए तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये एक्सटर्नल नेगेटिविटी। तो इंटरनल तो चलो मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अवॉइड करना, लेकिन एक्सटर्नल को अवॉइड करना भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं नेगेटिव एलिमेंट से दूर रहूं, और वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है। तो मुझे थोड़ी पता है कि मेरा दोस्त मुझे क्या बोल देगा और मुझे नेगेटिव लग जाएगा। सही मैं चाहता था हर चीज से कट ऑफ रहना, मैं अपनी फैमिली से भी लिमिटेड बात करता था, व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि इतना बर्डन हो जाता है अपने शोल्डर्स पे कि इतनी सी भी अगर प्रॉब्लम पता चल जाती है फैमिली की तो बर्डन 10 times बढ़ जाता है। मैंने अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ कर रखा था, मैं अपने डाउट बिना क्लियर के एग्जाम में चला जाऊंगा लेकिन मैं नेगेटिविटी के साथ नहीं जाऊंगा। दैट्स ग्रेट आइडिया। और 10 दिन जो एग्जाम के पहले थे उसमें आपने कितने मॉक्स दिए थे? सर मुझे जहां तक याद है 2 मॉक क्वांट के दिए थे और 2 इंग्लिश के दिए थे, और बाकी मेरे 100-100 क्वेश्चन तो थे उन 10 दिनों में। जी सर। तो आखिरी मार्क आपने कितने दिन पहले दिया था एग्जाम के? सर 4 दिन पहले। 4 दिन पहले, मतलब उसके बाद फिर आपने दिया। दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। ठीक है दिजेश, एक चीज मुझे आप पूछनी है कि एग्जाम की दिन, कल एग्जाम है, रात को नींद आई थी? ना सर नहीं आई, पूरी रात नहीं आई नींद। ना मैं सर प्रीलिम्स में सो पाया, ना मैं मेंस में सो पाया, बिना नींद पूरी करे मैं अपनी एग्जाम देने गया था। तो ये भी एक प्रेशर था क्या कुछ कि नींद पूरी नहीं हुई है तो इसका भी असर पेपर में पड़ सकता है? सर ये प्रेशर सिर्फ तब तक होता है जब तक स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल नहीं आता। जैसे ही पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर आया नींद गायब, क्योंकि इस दिन के लिए तो मैं 2 साल से वेट कर रहा था, अब फाइनली जब वो दिन मेरे आगे है तो मैं नींद के चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना वेस्ट करने दूंगा। बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छा मैसेज है एस्पिरेंट्स के कि सोने की कोशिश करिए, अगर नहीं भी नींद आई तो कोई बात नहीं। मेरे साथ भी एक बार हुआ है जब मैं IIT का प्रीलिम्स दे रहा था पहली बार जी। तो मेरे को नींद ही नहीं आई रात भर, चाह के भी बहुत कोशिश करी मैंने और पहली बार मैं रात भर नहीं सोया था, बट पेपर अच्छा हुआ निकल गया था। ठीक है तो मेरे को लगा इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, जैसा भी हो ठीक है। एक चीज और दिव्येश मुझे पूछनी है कि जो जब आप पेपर देने जाते हो सेंटर पे, राइट, वहां पर आप इतने लोगों को देखते हो, बहुत तरह का माहौल होता है, कुछ पेरेंट्स बच्चों को दही खिला रहे होते हैं, ठीक, तो वहां भी एक तरह का अगर आप एस्पिरेंट को देखने लगो ज्यादा तो एक प्रेशर क्रिएट होता है कि मेरी तैयारी कहाँ है, कैसी है, वो मोमेंट कैसा रहा आपके लिए? हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ अदर पीपल देयर? सर नो डाउट जो आपने चीज मेंशन करी है वो होती है, वो मेरे साथ प्रीलिम्स में हुई जब मैं देख रहा था कि इतना क्राउड है और ये तो सिर्फ एक सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया कितने सेंटर है, इस तरह के क्राउड के साथ में पेपर देने जा रहा हूँ, क्या मैं इन सबके सामने स्टैंड कर पाऊंगा? लेकिन मुझे लगता है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर और अपने ऊपर अगर फेथ रखा जाए तो तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी या डिमोरलाइजेशन लाइफ में ना क्यों ना हो, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। फेथ होना जरूरी है, तुम बेशक 8 लाख में से एक हो लेकिन टॉपर भी तो 8 लाख में से एक ही होता है। सही बात है, बिल्कुल। दिव्येश अब आप लेट्स से यू एंटर्ड इन द एग्जाम हॉल, एग्जाम को 10 मिनट बचा, आई थिंक सीट उठ लेके बैठ जाते हैं लोग, है ना जी। सो क्वेश्चन तो डिस्प्ले थोड़ा देर बाद ही होता है जब टाइम होता है, उन 10 मिनट में क्या सोच रहे थे आप? सर उन 10 मिनट में मैं अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि PGL 17 जैसी एक शिफ्ट एक्सपेक्ट करो, 25 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे और 75 क्वेश्चन इजी आएंगे, तो मुझे 25 क्वेश्चन स्किप करने हैं। ये एक तरह से मैं एक प्रॉमिस लेके बैठा हुआ था कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ स्टार्टिंग में एंगेज नहीं करूंगा, मैं उन्हें एंड के लिए रखूंगा, स्टार्टिंग में मेरा टारगेट होगा इजीएस्ट 75। एक बार ये 75 मेरे पास आ गए उसके बाद पूरा पेपर अपना है, जितना चाहो स्कोर करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना है कि इजी आएगा 0 से 180 एकदम से चला जाऊंगा। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट मेरा नहीं था, पहले मैं 150 तक जाऊंगा, उसके बाद जितनी जो शिफ्ट है मेरी जितना मुझे अलाउ करेगी या मेरी कैपेबिलिटीज मुझे अलाउ करेगी उतना मैं आगे जाऊंगा। ये एटीट्यूड मेरा 10 मिनट में था कि 25 क्वेश्चन स्किप करने हैं। सो एक चीज और बताना है मुझे दिव्येश, आपके जब आपका पेपर आपने स्टार्ट किया तो आपका अटेम्प्ट किस तरीके से था, मतलब आप जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स का कैसे डिसीजन ले रहे थे? सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को ये होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन छोड़े और कौन सा नहीं। सो आपने ये तो सोच लिया था कि मेरे को 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं, स्किप करने हैं, बाद में आऊंगा मैं, यानी आसान आसान छाट के मुझे करने हैं,
Yes, आपकी जो स्किपिंग स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, और क्या ये मॉक में बिल्कुल अच्छे से आपने बिठा लिया था या वहां पर कुछ आपने इम्प्रोवाइज किया स्किपिंग स्ट्रेटजी को एग्जाम में? सर नो डाउट, जो जो स्ट्रेटजी मैं एग्जाम में अपने साथ लेके जा रहा हूँ, मैं अपने मॉक भी उसी स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट करता था। स्किपिंग मैंने मेंस में करी है, लेकिन मैंने मॉक में भी करी है। और ये जो जजमेंट है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, ये हमें मिलता है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप ये देखो कि हर एस्पिरेंट एटलीस्ट 20,000 पॉइंट के क्वेश्चन सोल्व करके जाता है। प्रीवियस ईयर की 100 शिफ्ट कर लिए, 50 मॉक कर लिए, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हमारे पास लाइफ का 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। हम सब ग्रेजुएट हैं, लाइफ में इतना तो हमने सीखा ही होगा कि डेंजर कहाँ है और ट्रेजर कहाँ है, इतना तो जज करने के लिए है। अब इतने वाइज तो हम हो ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप जब क्वेश्चंस को कर रहे थे दिवजेश, तो लगभग आपने कितने क्वेश्चन स्किप किए पहले राउंड में जब आप आगे बढ़ रहे हो? और क्या कोई ऐसा सवाल भी हुआ जहां कर रहे हो और फंस गए और फिर छोड़ के आगे बढ़े हो? सर मेरे साथ स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन में यही हुआ था। मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, वैसे तो मुझे स्किप कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे अटेम्प्ट किया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, मेरा आंसर मैच नहीं किया। दूसरे क्वेश्चन पे गया, फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई ऑप्शन मैच नहीं। तीसरे क्वेश्चन पे गया, तीसरा क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहा है, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा स्किप। चौथा क्वेश्चन वो पहला क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट किया था, और 5 मिनट तब तक जा चुके थे। तो जब मैंने घड़ी देखी कि 5 मिनट जा चुके हैं और मेरा अटेम्प्ट सिर्फ एक है, तो मैंने अपना टारगेट फर्दर 75 से 65 कर दिया कि 75 जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं 75 तक नहीं जा सकता, तो मैं अब 65 जाऊंगा। अब 65 से मुझे रिलीफ कैसे मिला कि अब मैं 35 क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ। जहां भी मुझे डेंजर दिख रहा है मैं स्किप का बटन दबा रहा हूँ, नेक्स्ट बटन दबा रहा हूँ। तो करते करते जब मैं 100वें क्वेश्चन पे पहुंचा, 80 मिनट जा चुके थे और मेरा अटेम्प्ट 65 था। अच्छा, मतलब 80 मिनट में आपने 65 अटेम्प्ट कर लिए थे? जी सर। और 35 क्वेश्चन आपने इस प्रोसेस में स्किप किए? वेरी गुड। एंड देन आखिरी 40 मिनट में आपके पास 35 सवाल? यस सर, आखिरी 40 मिनट में मेरे पास 35 सवाल है, लेकिन अब मेरे को 75 क्लोज लगने लग गया था। जब मैं स्टार्ट कर रहा था पेपर, मेरी गलतियां हो रही थी, 75 बहुत दूर था, 65 से 75 दूर नहीं नजर आता। तो अब ये लगा कि मेरे पास 40 मिनट है, 10 क्वेश्चन और करना इतनी बिग डील नहीं है, इतनी तैयारी हम क्वांटिटी करके आते हैं। वापिस से पहले क्वेश्चन पे गया, इस बार कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करी, ऑप्शन मैच हो गया, दूसरा क्वेश्चन फिर से ऑप्शन मैच हो गया, तो कॉन्फिडेंस वापस बढ़ने लग जाता है कि अब मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूँ जिन क्वेश्चन में डर के टाइम चला गया था। मोमेंटम एक तरह से आपका बिल्ड हुआ। राइट राइट राइट। तो इस तरह से आपने दूसरा राउंड किया, दूसरे राउंड में भी आप स्किप कर रहे थे क्वेश्चंस को? यस सर, दूसरे राउंड में क्वेश्चन स्किप क्लियर कर रहा था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बेशक मेरे पास टाइम बहुत है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं, मैं अब भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बेशक मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैंने 75 क्वेश्चन कर लिए, अभी अगर 15 मिनट बचे हुए हैं तो मैं ये कोशिश करूंगा 15 मिनट में 7-8 सवाल और निकाल लूं। तो जब वो 35 सवाल बच गए थे, मैं उनमें से भी बेस्ट पिक कर रहा था, क्योंकि अब भी मेरे लिए 2-2 नंबर और 1-1 मिनट इम्पोर्टेंट है। तो इस राउंड में फिर आपने लगभग कितने सवाल किए दिव्येश? सर मुझे लगता है इस राउंड के एंड में मेरा अटेम्प्ट 80 से 85 के बीच में पहुंच गया था। ठीक है। और फिर जो आपके 15-20 सवाल हो रहे हैं वो फिर थर्ड राउंड में आपने किए? जी, जैसे ही देखा कि अटेम्प्ट 80 हो गया, उसके बाद जो एनर्जी और स्पीड आज तक मेरे अंदर थी भी नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उस स्पीड से मैंने क्वेश्चन करे हैं। लास्ट के जो सबसे डिफिकल्ट 19 या 20 क्वेश्चन थे, वो मैंने 15-16 मिनट में कर दिए होंगे। वो सिर्फ वंडरफुल मोमेंटम और कॉन्फिडेंस ने आपको आगे बढ़ाया। बढ़िया। जैसे एक चीज और पूछनी है कि जब आपने मैथ्स के सवाल किए, तो क्या कुछ सवाल ऐसे भी थे जो हाफ हार्टेड मार्क किए आपने, या अपनी तरफ से आप 100% श्योर थे? दो आपको पता है कि 100% एक्यूरेसी होती नहीं है, तो कुछ गलत होंगे, बट फाइनली यू गॉट ऑल करेक्ट। सो मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि जो आप मार्क कर रहे थे ऑप्शन, क्या उसमें ऐसे ऑप्शन थे जो आप कुछ ऑप्शन ऐसे थे कि जो आपको लग रहा था कि यू आर नॉट एग्जैक्टली 100% श्योर बट यू मार्क्ड इट? सर 99 में से 98 ऑप्शंस मेरे मैच हो गए थे, जो मैंने कैलकुलेट किया वही मैंने मार्क किया था। एक क्वेश्चन था उसमें मेरा आंसर जो है 2 ऑप्शंस के बीच में आ रहा था, तो वहां मैंने क्लोजेस्ट ऑप्शन को पिक किया, उसको मार्क कर दिया। यानी सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जहां मेरी कैलकुलेशन मेरे ऑप्शन से मैच नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने अप्रोक्सीमेशन लेके उसको मार्क कर दिया, क्योंकि 2 मिनट लगा के मैंने वो कैलकुलेशन की थी, मैं दोबारा नहीं करना चाहता था। जो एक्यूरेसी परसेंटेज मैथ्स में यूजुअल रहता था वो कितना रहता था लगभग?
सर एक्यूरेसी मेरी मॉक्स में भी हमेशा हाई रही है, 95% के अबव रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ मेरे 171 आ रहे हैं। अगर मेरे मार्क्स 171 है तो मैक्सिमम मैंने 175 176 इतने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया होगा। एक्यूरेसी हमेशा हाई रही है। वंडरफुल, मतलब आप एक्यूरेसी का जो गेम है वो जीत चुके हो पहले से। दैट्स ग्रेट थिंग, दैट्स ग्रेट थिंग। मॉक्स में जीत लिया था। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रितेश, एक चीज मुझे और यहाँ पर पूछनी है जो काफी इम्पोर्टेंट है। जितने भी एस्पिरेंट हैं अभी दिमाग में कई सारी चीजें इस समय चलती रहती हैं, राइट? कि डर जो होता है, मतलब ये कितना बड़ा फैक्टर होता है आपके अंदर कि ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप चीजें कर रहे होते हो कई बार ब्लंडर हो जाती है और वो ब्लंडर से लोग निकल नहीं पाते हैं। सो विल यू सजेस्ट एनीथिंग टू द एस्पिरेंट जो अभी जा रहे हैं कि अगर एग्जाम के बीच में भी, क्योंकि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी आपने पहले बिल्ड करी है कोई जरूरी नहीं कि वो काम करे, है ना? कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पेपर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उन्हें किस तरीके से चीजें करनी चाहिए? राजेश सर, एस्पिरेंट्स को मैं एक ही बात बोलूंगा कि जब हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं हमारे सामने 100 क्वेश्चन है, हमें कोई आइडिया नहीं है इनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन मेरा वेट कर रहे हैं वहां पे। तो किसी भी एस्पिरेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे है ना पूरे 2 घंटे इस डर में बिताने हैं। एक बार मेजोरिटी तुम्हारे साथ आ गई, 60-65 क्वेश्चन तुम्हारे फेवर में आ गए, इजी है 60 की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार मेजोरिटी तुम्हारे साथ आ गई, मेजोरिटी आते ही सरकार तुम्हारी है, सरकार आने के बाद पूरा पेपर तुम्हारा है, जो चाहो वो करना, सिर्फ एक बार मेजोरिटी को अपनी तरफ खींच लो। तुम बेशक डरे हुए होगे, मैं भी डरा हुआ था, मैं 75 क्वेश्चन तक अगर जाने का सपना नहीं देख रहा तो मैं ड्राई तो हुआ हूँ एक तरह से, कैलकुलेशन मिस्टेक डर की वजह से ही तो होती है, तो डर मेरे अंदर भी था, लेकिन 65 क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद वो सारा डर चला गया कि मैंने अपना टारगेट अचीव भी कर लिया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसे स्कोर बोला जाता है वो भी अचीव कर लिया। सिर्फ मेजोरिटी को अपनी तरफ एक बार ले आओ किसी भी तरह से। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है कि आपका पहला माइलस्टोन आप छोटा रखो जी, और वो माइलस्टोन अचीव होने के बाद फिर अगले माइलस्टोन भी आप अचीव कर पाओगे। दिजेश, दूसरा ये है कि जो इंग्लिश का पेपर है, दो इतना चैलेंजिंग नहीं होता है इंग्लिश का पेपर आज की डेट में, बट स्टिल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो ग्रामर के बेस क्वेश्चंस होते हैं या वोकैबुलरी स्पेशली बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जहां पर आप कई बार 100% श्योर नहीं हो पाते हो कि भाई दो वर्ड्स बहुत क्लोज हैं, या ग्रामर में भी आई डोंट नो इडियम्स में ऐसा होता है कई बार कि दो ऑप्शंस क्लोज लगते हैं, उन क्वेश्चन को आप क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में या छोड़ते हो? यस सर, बिल्कुल अटेम्प्ट करता हूं, क्योंकि दो ऑप्शन अगर मैंने एलिमिनेट कर दिए तो मेरा परसेंटेज जो चांसेस है सक्सेस के वो 50% आ गए हैं। अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो मैं मान सकता हूं कि 5 मेरे सही होंगे, तो मुझे नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 5 में, लेकिन 5 में मुझे पॉजिटिव मिल रही है और पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव से। तो अगर दो ऑप्शन श्योर शॉट एलिमिनेशन है तो मुझे लगता है एस्पिरेंट को मार्क कर देना चाहिए आंसर। इंग्लिश में ये रिस्क लिया जा सकता है। जी सर, वेरी गुड। साथ ही साथ मैथ्स की जो अप्रोच है आपकी दिवजेश, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो अप्रोच मतलब क्या ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपकी अप्रोच थी एग्जाम में, या हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ही निकाल रहे थे, या अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब भी तरीके आपने एग्जाम में इस्तेमाल किए? सर, स्टार्टिंग के जो 65 क्वेश्चन थे जो मैं मानूंगा कि मेरा अच्छा फेज नहीं था, मैं ड्रा हुआ था काफी, इसमें मैंने सिर्फ कन्वेंशनल मेथड यूज किया है। जहाँ कन्वेंशनल यूज करना होता है मैं उस क्वेश्चन को स्किप ही कर रहा था, मैं अभी उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था स्टार्टिंग में। एक बार 75 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो गए, उसके बाद मैंने वैल्यू डालनी भी स्टार्ट कर दी, जो बाकी नॉन कन्वेंशनल मेथड हमसे ठीक होते हैं इतने एक दो साल लगा के, वो भी क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो बचा हुआ टाइम होता है, जो आते थे वो तो कर ही लिए, अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, सीट लगभग कंफर्म हो गई है, जो चाहो वो एक्सपेरिमेंट। तो नो डाउट मैंने लास्ट में एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत किए होंगे, लेकिन स्टार्टिंग के जो 65-75 क्वेश्चन थे सबसे इजी क्वेश्चन पकड़े हैं। बिल्कुल, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि इट्स लाइक जैसे एक बैट्समैन है वो क्रीज पे सेट होने के लिए टाइम लेता है पहले, सेट होने के बाद फिर उसको लाइसेंस मिल जाता है लॉफ्टी शॉट लगाने का। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दिवजेश, एक और, ये आपका बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था और बहुत राइट टाइम पे, मैं चाह रहा था कि मेंस के बच्चे किसी ऐसे बच्चे से सुने जिसने अभी रिसेंट परफॉर्म किया इतना अच्छा, ठीक है? सो मैं फिर से एस्पिरेंट को रिपीट करना चाहता हूँ कि दिवजेश ने मैथ्स में 99 करेक्ट किए, 99 किए, सब करेक्ट था, रॉयल स्कोर 198, दैट्स वंडरफुल। दिवजेश, कोई एक मैसेज जो आप मेंस के बच्चों को देना चाहते हैं? और मैं सबको ये बता रहा हूँ कि दिवजेश का बाद में एक पूरा इंटरव्यू भी लूंगा मैं, अभी हमने सोचा कि मेंस के लिए कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं। कोई एक मैसेज बच्चों के लिए जो इस समय बहुत प्रेशर में होंगे ताकि वो थोड़ा सा कूल हो पाए? सर, क्वांट मेंस के लिए मेरा मैसेज है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से डरना नहीं है और इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये तुम्हारा मोटो होना चाहिए सर एग्जाम का। इंग्लिश नो डाउट तुम्हें कोई चैलेंज नहीं पोज करेगी, रीडिंग तुम्हारे पास है, रीडिंग तुम्हारी एक स्किल है, वहां रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं है,
तुम्हें एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, 45 नंबर वहां से आ जाएंगे। इंग्लिश का पेपर बहुत कन्वीनियंट जाता है अगर अच्छे से प्रिपरेशन हुई है तो। सिर्फ एक क्वांट का पेपर है जो कंसेप्ट के साथ साथ मुझे लगता है एक माइंड गेम भी है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन एक बार 75 मेरी तरफ आ गए तो मैं उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हैंडल कर लूंगा। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग में डरना मत और इजी क्वेश्चन को छोड़ना मत। राइट सो इसी के साथ दिव्येश आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा समय निकाला और इन बच्चों को गाइड किया। और मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं कि दिव्येश की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है पेपर को लेके। जहां तक है लो एक्सपेक्टेशन रखो पहले अपने आप से, सो दैट यू डोंट फील प्रेशराइज्ड, अचीव दैट माइलस्टोन देन गो बिग, दैट्स द स्ट्रैटेजी एंड दैट विल रियली वर्क। सो ऑल द बेस्ट सभी को मेंस के लिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर करेंगे। और बाकी हम दिव्येश के साथ एक लंबा इंटरव्यू भी शूट करेंगे फिर, जो 2020 के बच्चे हैं वो इनसे सीख सकते हैं कि इन्होंने पूरी तैयारी कैसे करी, किन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। सभी को मेरा नमस्कार और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।